फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीपीएस गेटवे में। इस वीडियो में हम जीपीएस गेटवे के वेब पोर्टल में सेटिंग्स ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है। एक बार जब आप अपने यूजर अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे तो आपको स्क्रीन पर डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नजर आएगा। स्क्रीन के सीधे हाथ पर आप कुछ आइकन्स देख सकते हैं, जिनमें से एक आइकन है सेटिंग्स का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि ट्रैफिक, लेबल, क्लस्टर, POI और जियो फेंसिंग। जब आप ट्रैफिक पर क्लिक करते हैं तो आपको मैप पर सभी वाहन कुछ इस तरह से नजर आएंगे। जब आप लेबल पर क्लिक करते हैं तो आपको मैप पर वाहन अपने नाम या नंबर से नजर आएंगे। जब आप क्लस्टर पर क्लिक करते हैं तो मैप पर आपको ये सभी वाहन जहां जहां इकट्ठा है वहां पर नंबर से नजर आएंगे। अब अगर आप POI या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे आपने अपने यूजर अकाउंट में बनाया था, उसे मैप पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस POI के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से अगर आप जियो फेंस को मैप पर देखना चाहते हैं, उस जियो फेंस को जो आपने अपने अकाउंट में बनाया था, तो उसके लिए आपको ये जियो फेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जीपीएस गेटवे के यूजर अकाउंट में अगला सेटिंग्स का ऑप्शन वहां देख सकते हैं जहां आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपको नजर आ रही है। आप सबसे पहले अपने कर्सर को इधर लेकर जाएंगे। अब आप यहां पर दो ऑप्शन देख सकते हैं, जिसमें से एक है सेटिंग्स। आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पर प्रोफाइल सेटिंग्स और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप अपना प्रोफाइल नेम, कंपनी नेम, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर जिससे बदलना चाहते हैं वो लिखेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। अगर आप अपने फिलहाल के पासवर्ड को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना पुराना पासवर्ड लिखना होगा। उसके नीचे आप नया पासवर्ड जो बनाना चाहते हैं उसे लिखेंगे और उसके नीचे इस नए पासवर्ड को दोबारा लिखेंगे कन्फर्मेशन के लिए। ये जानकारी यहाँ पर भरने के बाद आपको सेव सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा ताकि ये सारी जानकारी सेव हो जाए। सेटिंग्स के अंदर एक और ऑप्शन आता है थीम का। ये ऑप्शन आपको यहाँ जो तीन वर्टिकल लाइन आप देख सकते हैं उस पर क्लिक करने के बाद मिलेगा। यहाँ क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक ऑप्शन नजर आ रहा है थीम। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर एक पॉपअप नजर आएगा जो कहता है कस्टमाइज थीम। इसकी मदद से आप आइकन्स का कलर, डैशबोर्ड का कलर या मेन्यू की पोजीशन को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बेसिक थीम कलर्स आप दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो भी आप पसंद करके सेलेक्ट करेंगे उसकी मदद से आपके डैशबोर्ड कैसा दिखता है रंग में वो बदल जाएगा। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आप टेक्स्ट कलर को बदलना चाहते हैं तो वो इसकी मदद से कर सकते हैं। आप अपने आइकन्स को लाइट या डार्क भी कर सकते हैं। आपकी मेन्यू की पोजीशन लेफ्ट से टॉप पर चली जाए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बदलाव एक बार करने के बाद ध्यान रखें कि आपको सेव सेटिंग्स पर क्लिक जरूर करना है ताकि आपकी ये सारी जानकारी सेव हो जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी ही और जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जीपीएस गेटवे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।